बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चुनाव में नरेंद्र मोदी अभी भी बड़ा फैक्टर, नाखुश भी चाहते हैं एक मौका और देना। 2019 लोकसभा चुनाव में PM नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार जरूर है, पर यह 2014 की तरह नहीं है। यही वजह है कि UP में, खासकर पश्चिम UP में, जहाँ शुरू के 3 चरणों में मतदान होने हैं, वहाँ लड़ाई बराबरी की दिखी जा रही है। राजनीतिक समीकरणों के साथ BJP के विजय रथ को रोकने के लिए SP, BSP और RLD के महागठबंधन से BJP के पार पाना इस बार एक तरह की चुनौती की तरह है। हालांकि इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग PM मोदी और BJP को एक और मौका देना चाहते हैं। उधर कांग्रेस भी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए इस समय पश्चिम यूपी में पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि BJP नेताओं का मानना है कि हाल ही में SP BSP के संयुक्त रैली में मुस्लिम वोटरों को साक्षात BSP ने उनके लिए पश्चिम यूपी में राह आसान कर दी है। BJP को उम्मीद है कि मायावती की तरफ से मुस्लिमों महागठबंधनों को वोट की अपील के बाद यह ध्रुवीकरण तय है और इसका पूरा फायदा पार्टी को होगा। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले हमारे सहयोगी इकोनॉमेटिक टाइम्स की टीम ने पश्चिमी यूपी से सभी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड भापने की कोशिश की, तो यह सामने आया कि इस बार हर सीट पर अलग अलग मुद्दे हावी है। मोदी की लोकप्रियता जरूर है, लेकिन सत्तारूढ़ BJP के लिए इस बार लड़ाई टफ है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।